सावित्री कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के एक राजा अश्वपति के कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 100,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल देश के राजा घुमत्त सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? आप सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद ने कहा। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर कन्या अपने पति का एक ही बार ही वरण करती हैं और राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपने भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान न हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आज देवी ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से पति उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया, उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने कहा कि यह वरदान भी दे दिया है और कहा अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट
वृक्ष के पास आ गईं, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अथा पतिव्रता सावित्री को अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।